हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आई एम शिवम पांडे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट। आज हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ फंडामेंटल राइट के ऊपर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाले हैं। सो सबसे पहले, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगले अपडेट्स आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ, हमने DLLB क्लैट एंड BHU LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया है और हमारे ईयर लॉन्ग बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पर अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ट्रायल क्लास लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म पे जाके क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए, हम आपको कॉल करेंगे। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। सो फंडामेंटल राइट कुछ बेसिक राइट होते हैं जो हर एक पर्सन को मिलना चाहिए। पर्सन में आपके लिविंग पर्सन आते हैं एंड आपके लीगल पर्सन भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ क्या सभी अधिकार सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को मिलते हैं? ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली रिजर्व होते हैं सिटीजन्स के लिए। वो कौन से राइट हैं जो सिटीजन्स के लिए ही एक्सक्लूसिवली रिजर्व होते हैं? वो होते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इन आर्टिकल्स में जो राइट दे रखे हैं वो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए ही रिजर्व होगा। बाकी जो अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट में दे रखे हैं वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए ही होगा। अब बात करें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट की बात करता है, कहाँ है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट। सो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12-35 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट। सो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट कंटेंड है एंड ये जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का, ये हमने बोरो किया था US कॉन्स्टिट्यूशन से। US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और भी कई सारी चीज़ें बोरो की हैं, लेकिन उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट हमने US कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है एंड पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा मतलब चार्टर ऑफ राइट्स। सो पार्ट 3 को चार्टर ऑफ राइट्स क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि पार्ट 3 में सारे बेसिक राइट्स लिख रखे हैं और सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को सारे बेसिक राइट्स दे रखे हैं कि आपके ये अधिकार हैं, इसलिए इसे चार्टर ऑफ राइट दैट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सवाल ये आता है, क्या ये कोई न्यू कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट जो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हम संविधान बना रहे थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट का, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1931 में इन कराची सेशन, जो INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची सेशन था वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट। एंड INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस रेजोल्यूशन को पूर्ण बहुमत से पास किया था। सो INC पास रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट इन कराची सेशन इन 1931। और इस कराची सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? इस कराची सेशन के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में जाके एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन भी बनते हैं। जब हमारा संविधान बन रहा होता है तो एक प्रॉपर एक कमीशन या कमिटी डेडिकेट की जाती है फंडामेंटल राइट के लिए एंड द चेयरमैन ऑफ दैट सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट वॉज JB Kripalani। JB Kripalani वेरी इंपॉर्टेंट नेम। सो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली है आर्टिकल 14-18 राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमें 5 राइट्स दिए जाते हैं और वो 5 राइट हैं, दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये ऐसे ही 5 राइट्स हमें दिए जाते हैं। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19-22 तक, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, प्रेस की फ्रीडम एंड राइट टू लाइफ, इन सब की बात होती है। ये पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट है ये मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके आपको विद केस लॉज बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 23-24 इसकी बात करता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें फोर्स्ड लेबर एंड
बच्चों का हैजार्डियस प्लेस पे काम करना, बेगिंग, स्लेवरी, ये सब प्रोहिबिट किया गया है, इमोरल ट्रैफिकिंग, ये सब प्रोहिबिट किया गया है. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके बाद आता है राइट टू रिलीजन. राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू रिलीजन की बात करता है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली इस बात पर स्ट्रेस करता है कि आप किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, और आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि आप ये रिलीजन छोड़ के ये रिलीजन प्रैक्टिस करें. सो राइट टू रिलीजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड हमारे जैसा पंथ निरपेक्ष देश उसके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात होती है आर्टिकल 29-30 में, एंड इसमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे एंड रिलीजियन बेसिस पे जो माइनॉरिटी है उनके कल्चर को प्रिजर्व करने की बात होती है. इसकी डिटेलिंग भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा. मान लीजिए कि ये जितने राइट्स आपको दे रखे हैं वो अगर इन्फोर्स नहीं होते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी इन्फोर्स नहीं करती, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो रेमेडी है दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो आर्टिकल 32 में दे रखा है, जिसमें ये कह रखा है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है या आपको कोई फंडामेंटल राइट आपका इन्फोर्स नहीं होता, तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और रिट डाल सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए. तो रिट क्या होती है एंड कितनी रिट्स मिलती हैं हमें? सो टोटल 5 टाइप की रिट्स होती हैं, और इसके बारे में डिटेलिंग मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा. और ये 5 रिट्स हैं, पहली हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडमस, फिर प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्वो वारंटो. ये 5 रिट आपको मिलती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. सो फॉर मोर डिटेल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट.